पहले पहले वाला चल रहा था नहीं पहले चल रहा था। ऐसा कौन सा क्वालिटी है जिससे ये एक्टर लोग आपको सपोर्ट करते हैं? वो टाइप के हम रही वो टाइप के यहाँ लोग कदर कर ले। देखिए अब अपने मुंह अपन तारीफ कैसे करें। वही तो ये आप इन लोग का बड़प्पन है। ये मैं बता रहा हूँ प्रमोद प्रेमी बहुत हम्बल आदमी है, जमीनी आदमी है। इनके अंदर आज भी वो गांव की सारी चीजें, चाहे बोली हो, रहना हो, खाना हो, पीना हो, सब इनके अंदर विद्यमान है। मतलब आप सर्वगुण संपन्न है। सर्वगुण संपन्न तो है लेकिन घरेलू आदमी है, गांव वाला आदमी, खांटी एकदम जमीनी सोजी है। और स्टार्डम अभी खोपड़ी भी चढ़ा नहीं है, इसीलिए देखिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी स्टार्डम खोपड़ी भी चढ़ेगा नहीं। मतलब अभी तक ये वो नहीं बना है जो लोग बने हैं, क्या बोलते हैं ये तो हम ना कहब। इतना कहब ये हम ना कहब भाई। देखिए वो लोग साथ भी सब काम करी रहे, सबका अपना ना ना देखा पीछे कहा तो फिल्म करे ना हमके घंटा ना केहू के चापलूसी करके फीचर करे। कोई हम यूट्यूब पे बोलते हैं हम किसी को चापलूसी, हीरो हीरोइन के चापलूसी ना करीला। मनोज टाइगर 16 साल अपने बल पे रहलन, अपने बल पे रही है। जे हीरो को जरूरत पड़ी कि भाई अच्छा एक्टर चाहिए तो मनोज टाइगर के बोला आई कहा कि हम अड़ुआ में तेल लगा के कहीं कि भैया जय हो, भैया जय हो, तो भैया अपने घरे रहा तू मतलब छुपा लिया। हम जिसके साथ काम किए, दिनेश जी के साथ काम किए, आज भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा नेचर। आज दिनेश जी के बारे में दुनिया कहती है कि वो जमीनी आदमी है, हम्बल आदमी, इसमें कोई शक नहीं। आज मैं इनके बारे में कह रहा हूँ कि बहुत घरेलू व्यक्ति हैं, कोई छल नहीं, कपट नहीं। हम सिनेमा करने के बाद कभी फ़ोन नहीं करते हैं। सिनेमा के 3-3 महीने गैप हो गया, कभी बात हो गई रजनीश के जरिए। लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ कि इनका बहुत बड़ा फ्यूचर है। जितने भी अभी नए दौर के हीरो ये 2-4 साल में आए हैं उसमें सबसे बड़ा फ्यूचर इनका है। अब ये इसको कैसे बचा के रखते हैं, चापलूसों के बीच में घिरे ना, गुमराह कोई कर ना पाए, अपने जो सही सलाहकार हैं, जो सही लोग हैं उनके साथ रहें और सही सब्जेक्ट चुनें, दुनिया को कोई ताकत रोक नहीं सकती। जय हो, जय हो, जय हो। क्या कहना चाहेंगे जो भी टाइगर जी ने कहा? साहब की थोड़ा भाई यहाँ सब बानी है, साहब की यहाँ सबकी जिससे प्यार दुलार देता नहीं, हम जिससे यहाँ सब के देते नहीं, वही टाइप हमेशा यहाँ के देते रहे। यहाँ सब हम जीवन भर सब यहाँ सब के हम वो देते रहे प्यार दुलार, वही इज्जत, वही मान सम्मान। कभी हमारा में कमी मत होगा, अगर बाई दबे कमी हो गई तो यहाँ सब के क्षमा कर। तो मतलब ये जो बाकी लोग जो है, देखिए बाकी लोग में देखिए ये जो पीछे इंटरव्यू ले रहे ठीक है, ये मजा ले रहे हैं। अब उनका जवाब मैं दे रहा हूँ बाकी लोग में। पर्चे करा के बढ़िया दिनेश लाल यादव निरहुआ, कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। रवि किशन जी के साथ इतना सिनेमा किया, कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। पवन सिंह के साथ इतना सारा सिनेमा कर डाला, खेसारी के साथ इतना, अरे वो उधर जो शॉट लगा हुआ बुलाओ तो खेसारी के साथ इतना ज्यादा सिनेमा कर डाला, चिंटू के साथ इतना सिनेमा कर डाला, और अभी नए लड़कों में कल्लू के साथ इतना सिनेमा कर डाला। तो मेरा व्यक्तिगत तो कभी किसी से कोई प्रॉब्लम होता है नहीं, आपका नहीं पूछे हैं। ये पूछा नहीं कि प्रॉब्लम है। आपके साथ तो सारे हीरो बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप खुद हैं। आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप ऐसे आलू हैं जो हर सब्जी में चले जाते हैं, हर सब्जी में चले जाते हैं भिंडी छोड़ के। लेकिन अब भिंडिया का क्या कीजिए भैया, अभी भिंडी भिंडी बन के पैदा भैल हो तो अपन टंटी लेके खड़ा रहे हो। जब उनके नसीब में भिंडी हो तो क्या करा जा सके। रेडी रेडी भैया भैया टाइगर चले चले जल्दी 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 जल्दी। ये जो हाल है जल्दी खत्म करना है शूट, शूटिंग का देखो बारिश हो रहा है, बार बार बारिश हो रहा है, जितना जल्दी खत्म करना था ऐसा फिल्म चाहिए, ऐसा ही इंटरव्यू होना चाहिए था।